Good morning, students. Myself, Kronal Somani, your math teacher, Aradhya classes, CTM. Students, today we start the new concept integration by parts. Last exercise 7.5 complete, one. or next topic integration by parts. तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करना है हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो कब अप्लाई करेंगे फंक्शन किस टाइप का होगा पेटर्न क्या होगी ओके okay. तो ना स्टूडेंट्स देखो जनरली मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन फॉर्म में फंक्शंस होते हैं तो हम डेरिवेशन में जैसे रूल्स है ऐसे इंटीग्रेशन में कोई रूल्स नहीं है ओनली फॉर एडिशन और सब्रैक्शन है तो आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो ओके okay. बट अगर दो फंक्शंस आपको यहां पर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में दिया है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से आप अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो ओके नाउ इफ द फंक्शन इज यू वी डी एक्स मीन्स टू फंक्शंस यू एंड वी आर इन प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ओके नाउ द इट्स इंटीग्रेशन इज यू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ओके यू कॉन्स्टेंट और वी जो है उसका आपका इंटीग्रेशन करना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डीएक्स स्टूडेंट देखो यहां पर u कांस्टेंट यानी बाहर रख दिया इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेशन करना है आपको इंटीग्रेशन वीडियक्स का जो आंसर है उसके साथ मल्टी करना है फिर जो आंसर मिला उसका वापिस इंटीग्रेशन करना है तो आपको एकदम इजीली उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास फंक्शन है यू वी यू एन वी ओके तो यू एन वी एज्यूम कैसे करोगे फंक्शन को तो यू एन वी एज्यूम करने के लिए एक पैटर्न है तो वो पैटर्न हम यूज करेंगे एल आई ए टी ई के रूल्स पर एल आई ए टी ई का रूल्स अप्लाई करेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ एल आई ए टी ई तो हियर एल मीन्स द लॉगेरिदम फंक्शन ओके यहां पर एल मींस क्या होगा लॉगे फंक्शन आई क्या होगा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओके साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर कोई फंक्शंस मल्टीप्लाई में है और इनवर्स है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो एल आई ए मीन्स तो एलजीब्रिक फंक्शन algebraic means uh, polynomial x x plus 2 x plus 3 x square okay that is the algebraic function t t means trigonometric function okay? and e means exponential function exponential exponential function means ई रेस टू एक्स या ई रेस टू एक्स टाइप का फंक्शन हो ई रेस्टू एक्स अदरवाइज ए रेस टू एक्स थ्री रेस टू एक्स ई रेस टू फाइव एक्स टाइप का फंक्शन है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे अब देखो एल आई ए टी के रूल्स के रिलेटेड जो लेटर्स फर्स्ट आ रहा है उसके हिसाब से उसको यू एज्यूम करेंगे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर सपोज इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स देखो यहां पर दो फंक्शन है एक साइन एक्स है दूसरा ई रिस्टू एक्स एक्सपोनेंशियल तो पहले कौन आएगा टी ट्रिग्नोमेट्री तो यू एन वी वी मींस ओके इंटीग्रेशन करना है नाउ तो फर्स्ट देखने जाए तो लॉगे रिदम फंक्शन मीन्स लॉग एक्स फर्स्ट आएगा यू एंड वी मीन्स एक्स ओके यानी वी मींस एक्स एक यानी एल्जिब्रिक फंक्शन वो पीछे आएगा ओके तो यू एंड वी आपको कैसे एज्यूम करना है अगर आपने एज्यूम कर लिया ओके okay, करेक्ट तो आपको यहाँ पर इजीली एक पैटर्न फॉर्म मिल जाएगा और उसका इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाएगा सेकंड थिंग स्टूडेंट्स यू एन वी एज्यूम करेंगे यहाँ पर बट ये कोई रूल्स नहीं है फॉर्मूला नहीं है ओके दैट इज अ वन टाइप ऑफ द पैटर्न एग्जांपल्स को इजी बनाने के लिए एक एप्लीकेशन से यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने से क्या होगा कि ईजी हो रहा है ओके okay? बट ऐसा नहीं है कई बार यूवी एज्यूम आपने ड्रॉन्ग करेक्ट कर लिया एक दो क्वेश्चन है ऐसे कि जिसमें यूवी करेक्ट नहीं किया फिर भी आंसर आपको मिलेगा ओके बट मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर यूवी इस टाइप से आप एज्यूम करोगे ओके okay? तो आपको सिंपल फॉर्मेट मिल जाएगा अदरवाइज कई बार ऐसा भी होगा ओके इंटीग्रेशन ऑफ द लॉग एक्स डी एक्स स्टूडेंट देखो तो यहां पर एक ही फंक्शन है लॉग एक्स ओके तो यहां पर u इज इक्व टू आप u मीन्स x तो यानी log x एंड v इज इक्व टू वन एज्यूम कर दो तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा अब देखो ये पैटर्न एल आई टी के रिलेटेड दो फंक्शन होने चाहिए u v तो यहां पर तो एक ही फंक्शन था log x फिर भी हमने अप्लाई किया ओके तो यानी ये एक क्वेश्चंस को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है ओके okay, तो जिससे क्या होगा कि एकदम इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको एल आई ए टी ए का जो फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है सीक्वेंस में जो फर्स्ट आ रहा है फंक्शन उसको यू और सेकेंड कॉम वी एज्यूम करेंगे ओके okay? और वो फिर इजी क्वेश्चंस में पेटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay? एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर वन इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स स्टूडेंट देखो यहां पर दो फंक्शन साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्स मीन्स एल फंक्शन तो आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन है ओके okay? तो फर्स्ट हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे यू एंड वी तो फर्स्ट यहाँ पर लेट यू इज इक्व टू तो एल आई ए टी के रिलेटेड देखो ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड लास्ट है और उसके बाद तो एक्सपोन होता है तो ए पहले आएगा एल आई ए तो मीन्स यू मीन्स एक्स एंड वी मीन्स साइन एक्स ओके आपको ये एज्यूम करना है Now, जैसे ही एज्यूम किया तुरंत ही आपको इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से आपको सॉल्व करना है ओके अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डीएक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यू एंड वी ऑलरेडी आपके पास है मीन्स क्वेश्चन को हम आई बोल देते हैं तो आई इज इक्वल टू व्हाट इज द एक्स व्हाट इज द वी वी मीन्स सब्सटीट्यूट करो यहां पर साइन एक्स इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स यू मींस एक्स इंटीग्रेशन वी वी मीन्स साइन एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स ओके okay, स्टूडेंट्स अब देखो साइन का इंटीग्रेशन करना है यहां पर एक्स का डेरिवेशन करना है और यहां पर साइन का इंटीग्रेशन तो नाउ एक्स एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स बाय डी एक्स यानी एक्स का डेरिवेशन वन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ओके ये माइनस बाहर आ जाएगा यानी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स ओके नाउ दैट इज द आई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपका इंटीग्रेशन यानी यू वी एज्यूम करने से आपको ईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा अभी मैंने बताया कि ये यू वी जो प्रॉपर मैथड नहीं है कोई मैथेमेटिक्स में कोई रूल्स नहीं है ऐसा ओके okay, ये एग्जाम्पल को ईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक पैटर्न है सेकेंड थिंग हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं जिसका डेरिवेशन ईजी हो ना ओके उसको हम u एज्यूम करेंगे और जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको v यानी जिसको इंटीग्रेशन यानी v एज्यूम किया है उसका देखो इंटीग्रेशन आएगा ओके okay? तो यानी जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है उसको v एज्यूम करेंगे और जिसका डेरिवेशन हो रहा है इजीली उसको हम u एज्यूम करेंगे ओके okay? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चनोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शन तो लेट यू इज इक्व टू एक्स एंड लिखते इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वीडियक्स ऑफ डी एक्स अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं वॉट इज अन्स एक्स इंटीग्रेशन वी मीन साइन थ्री एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वी डी एक्स वी मींस साइन थ्री एक्स डीएक्स ऑफ डीएक्स वैल्यूज पुट कर दी अब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जहाँ पे जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन हो रहा है वहाँ पे डेरिवेशन हम अप्लाई कर देंगे देखो यहाँ पर एक्स इज साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थ्री एक्स ओके तो माइनस कॉस थ्री एक्स एंड डिवाइडेड बाय थ्री बिकॉज द कोफिशिएंट्स आपको डिवाइड करना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ एक्स तो डेरिवेशन ऑफ एक्स इज वन साइन थ्री एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स डिवाइड थ्री ओके माइनस साइन हम आगे अप्लाई कर देंगे हियर माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स Divided by 3, plus 1 by 3 is constant. Cos 3x dx, okay. And now next step integration of cos that is a sin 3x, okay. And divide by 3 minus x cos 3x divided by 3 plus 1 by 3 as it is. And here integration is cos that is sin 3x divided by 3 plus c. अब हम इसको simplest form convert a 3 3 is a 9.

सेवन पॉइंट फाइव तक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई तो उसमें भी सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू थ्री हर एक में नए नए कंसेप्ट थे ओके अगर उसका जो बीजी के कंसेप्ट जानते हो उसके रिलेटेड हम देखें तो कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी ओके और ये आप देखो दो मल्टीप्लाई और आगे भी फंक्शंस तो थे बहुत सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई में पर वहाँ पे क्या है आपने कोई टर्म एजम किया तो उससे वो फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता था जिसका इंटीग्रेशन इजिली हमको मिल जाता था ओके okay? बट यहाँ पे कुछ एजूम करने से भी ओके okay, सॉल्व होगा नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट है U एंड V अप्लाई कर देते हैं एक्सक्वायर मीन्स एलज्रिक फंक्शन एंड ई रिज टू एक्स मीन एक्सपोरशियल फंक्शन एल आई ए टी के रिलेटेड वो लास्ट में आता है तो दैट इज अभी एंड यू तो लेट यू इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर एंड वी इज इक्वस टू ई रेस टू एक्स ओके मीन्स आई इज इक्व टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ओके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हियर स यू वी डी एक्स हो जाएगा यू वीडीएक्स फॉर्मूला क्या होगी यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डीएक्स ओके नाउ सब्सट्रीड्यूट द वैल्यू तो सब्सट्रीड्यूट करते वॉट इज अन्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वी मीन्स इक्स डेरिवेशन ऑफ U, U का डेवेशन आप डायरेक्ट लिख सकते होकेगा ना हि एक्स स्क्वायर इक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटूर देखो स्टूडेंट्स अब वापिस दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ओके okay, वापिस हम अप्लाई करेंगे क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यू एंड वी तो आपने ऑलरेडी आगे एक बार एज्यूम कर दिया है तो यू एंड वी हम एज्यूम करेंगे बट माइंड में रखेंगे और बोलते जाएंगे यहां पर कि u इंटीग्रेशन वी डी एक्स और सब्सट्रीट्यूट करते जाएंगे ये वैल्यू तो यहां पर हम u किसको बोलेंगे x और वी मीन्स इरेस्ट टू एक्स ओके तो नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा देखो स्टूडेंट्स वापिस एक्स स्क्वायर

नाउ टू मल्टी कर देते हैं और ई टू एक्स तीनों टर्म में है तो कॉमन ई टू एक्स इज कॉमन ये रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न चाहिए यानी जरूरी नहीं है कि सेकेंड टाइम आपको तो वापिस ऐसी इंटीग्रेशन करना है आपको तो वापिस मल्टीप्लाई फॉर्म आया वापिस आप अप्लाई कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना नेक्स्ट Uh, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर सॉल्व करना है बहुत एक ईजी पेटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं ओके okay, uh, जब डिटेल्स में हम देखेंगे अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट uh, uh, जब डाउट लेक्चर देखेंगे ना ओके okay, उसमें इसके एक्स्ट्रा सम्स भी हम देखेंगे अभी ये पेटर्न कैसे आती है और एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ फिर से वहाँ पर भी हम रिवाइज करेंगे ओके okay? देखो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज टू एक्स डी एक्स तो इनसोट आपको क्या करना है एक इलेटो फंक्शन एक बेसिक फंक्शन पावर कोई भी हो स्क्वायर हो या क्यूब हो या फाइव पावर अगर क्यूब होता तो स्टूडेंट्स क्या होता देखो स्क्वायर है तो पे आपको पावर मिला फिर से आपका कॉन्स्टेंट निकल गया पे थ्री पावर हुआ तो टू एंड टू से वापिस वन पावर और फिर यानी वापिस दो बार पे पे तीन बार करना होगा ओके आंसर हंड्रेड परसेंट आएगा बट स्टूडेंट्स यहां पर देखो इस टाइप के फंक्शंस का आपको पैटर्न याद ही रखना है इसका आंसर क्या आएगा x e to x इस कॉमन देखो e to x है अब जो फंक्शन है ना वो x 2 लिख दिया अब ये फंक्शन का डेरिवेशन करना है बाजू में क्या होगा 2x इसका डेरिवेशन 2 एंड c कंप्लीट और साइन क्या लगानी है प्लस माइनस प्लस देख लो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया ओके एक और क्वेश्चन देखो x 4 e x dx ओके okay, यानी ये क्वेश्चन आपको जी कुसेट एम सी क्यू कोई भी फॉर्मेट में आप आए तो आप अप्ला, अप्लाई कर सकते हो बट थियोरेटिकल और टू मार्क्स थ्री मार्क्स तो आपको कंपलसरी थियोरेटिकल सॉल्व करना होगा देखो आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स ई रेस टू एक्स एक्स रेस टू फोर फोर एक्स क्यूब ओके उसका डेरिवेशन उसका डेरिवेशन आगे गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फोर एक्स एंड ट्वेंटी फोर प्लस सी ओके नौ साइन इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा इसका इंटीग्रेशन फोर तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप ये पेटर्न से भी सॉल्व कर सकते हो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स लॉग एक्स डी एक्स देखो स्टूडेंट्स यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लॉग एक्स एंड एक्स तो एल आई ए टी के रूल्स के रिलेटेड फर्स्ट कौन आएगा लॉग मीनस यू मीन्स लॉग एक्स एंड वी मीन्स एक्स ओके नाउ

Minus one by two is constant. One time x cut away. That is the x dx. Okay. Now x square by two into log x as it is minus one by two x ka integration kya hoga x square by two. And then final answer is x square by two log x minus x square by four plus c. Next example number five. इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉक टू एक्स तो स्टूडेंट्स लॉक फंक्शन एंड एक्स ओके एक्स मीन्स एल्जिब्रिक फंक्शन लॉग एल आई ए टी के रूल्स के रिलेटेड देखे तो एल फर्स्ट आएगा मीन्स यू इज इक्वस टू लेट यू इज इक्वस टू लॉक टू एक्स ओके एंड वी इज इक्वस टू एक्स नाउ एप्लाई द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स integration uv d x is equals to u integration v dx minus integration du by dx integration v dx of dx ok. okay. Students say upper values put u means log 2 x integration v means x dx d by dx of log 2 x into integration x dx of dx. Okay? Now, अब यहां पर वैल्यूज पुट uh, कर दिया अब इंटीग्रेशन और यहां पर डेरिवेशन हम फाइंड करते हैं नाउ लॉग टू एक्स इज एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्सक्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग वन अपॉन टू एक्स लॉग का डेरिवेशन क्या होगा वन बाई एक्स दैट इज वन बाई टू एक्स और टू एक्स का टू ओके इन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स नाव टू टू कट हियर वन टाइम एक्स कट दैट इज द स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट ओके इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा एंड हियर रिमेनिंग इज एक्स ओके ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मीन्स एक्सक्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाय टू लॉक टू एक्स माइनस वन बाई टू एंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू दैट इज फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉक टू एक्स minus x square by 4 plus c. Okay? Now same question students example number 6 integration of x square log x. So here log functions first tiger u and v is equal to x square. Let u is equal to log x and v is equal to x square. Okay? Now i is equal to integration u v d x

du by dx u cut derivation that is 1 by x and integration of v that is x cubed by 3 d x ok. Now here x cube by 3 into log x minus 1 by 3 constant 1 time x cut that is here remaining is x square okay. and now integration of x square means x cube by 3. So now the here x cube by 3 into log x 1 by 3 as it is x cube by 3 प्लस सी दैट इज द फाइनल आंसर एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई नाइन प्लस सी ओके स्टूडेंट्स तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा ओके okay, तो यहां पर लॉग वाला फंक्शन एंड बेजिक फंक्शन था तो फर्स्ट यू हम लॉग को एज्यूम कर देंगे और वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अदरवाइज यस और फिर इंटीग्रल यानी जो फॉर्मूला है ओके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेवन क्वेश्चन इज एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स एक्स मीन्स एल्जीब्रिक फंक्शन ए साइन इनवर्स मीन्स इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओके तो यहां पर एल आई आई पहले आएगा तो ये होगा यू और बीजिक्वल ए बाद में आता है एल आई ए यू साइन इन वर्स एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स बट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एग्जाम्पल ये पेटर्न से करने गए तो यहाँ पर जिसको भी आपने डेरिवेशन यानी यू एज्यूम किया है उसका डेरीवेशन होगा तो डेरिवेशन होगा वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स पर फिर देखो स्टूडेंट्स जो टर्म्स आएगा वहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगी वो हम ईजिली अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो पेटर्न से ओके okay, चलो u इज इक्वस टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वस टू x ओके अब देखो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर्मूला u u मीन्स साइन इनवर्स x v का इंटीग्रेशन दैट इज एक्सक्वायर बाई टू माइनस u का डेरिवेशन साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ओके नाउ v का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स ओके पर जो टर्म्स हाँ, पर आप इजिली इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे ओके हा नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो फॉर्मूला है हम अप्लाई करेंगे वो पेटर्न से हो जाएगा तो देखो अब यहाँ पर मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ ये तो ओके माइनस वन बाई टू यहां पर नीचे जो टर्म है वो ऊपर न्यूमरेटर में सेट करते हैं तो ये माइनस है ना यहां पर प्लस कर देता हूं ये माइनस अंदर माइनस एक्स स्क् वन एड कर रहा हूं वन सब कर रहा हूं ओके तो अब देखो स्टूडेंट्स आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो और जब हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो यहां पे ये रूट कट हो जाएगा रूट वन माइनस एक्सक्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्सक्वायर डी एक्स सेपरेटली देंगे तो ये टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओके बट ये ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में देखो स्टूडेंट्स डिनोमीटर में नहीं है तो ये फॉर्मूला आप नहीं जानते बट नेक्स्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट सॉरी सेवन पॉइंट सेवन के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें ये सब फॉर्मूला है न्यूमेरेटर में तो यानी कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ये पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो ओके okay? अभी ये फॉर्मूला आप जानते नहीं हो इसीलिए यहां पर ये एग्जाम्पल आपको मैं वापिस सेवन पॉइंट सेवन जब कंप्लीट होगा ये वापिस तीन फॉर्मूला ऐसे न्यूमरेटर में उसकी अप्लीकेशन आ जाएगी यानी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम क्वेश्चन ये पैटर्न ये से भी सॉल्व कर सकते हैं okay, ओके कौन से u इज इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स एंड इज इक्वल टू वन ओके तो यहां पर स्टूडेंट्स हम चेंज करते हैं ओके okay, हम ये पैटर्न से अप्लाई नहीं करें क्यों न्यूमरेटर में रूट आया और उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है अभी आपके पास ओके नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेशन हो रहा था ना उसके कारण कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था तो सपोज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वस टू थीठा दैट इज एक्स इज इक्वस टू साइन थीठा एक्स का डेरिवेशन डी एक्स साइन का क्या होगा cos थीठा डी थीठा ओके तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आई इज इक्वस टू वट इज एक्स एक्स मीन्स साइन थीठा साइन इनवर्स यानी थीटा और डी एक्स मीन्स थीटा ठीटा डी थीटा ओके थ्री टर्म्स आए यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में तो भी कोई यू वी वाली मेथड में तो दो फंक्शन ही होते हैं ना तो एक काम करते हैं साइन थीटा इन थीटा एंड साथ में लिखते हैं टू मल्टी और टू डिवाइड यार वन बाई टू ठीठा टू साइन थीठा थीटा ओके नाउ वन बाई टू एज इट इज दैट इज इंटीग्रेशन थीटा इन साइन

इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाय डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा डी थीटा ओके नाउ वन बाय टू एज इट इज थीटा इट इज साइन टू थीटा तो साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू माइनस थीटा का डेरिवेशन क्या होगा वन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू और वन टाइम यहाँ पर इट ओके नाउ यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर देते हैं देखो वन बाई टू आई इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू एज इट इज ओके एंड नाउर माइनस माइनस

Theta cos theta 4 sin theta 8 C. जब हम यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा है वहां पर हम एक्स पुट करेंगे थीटा है वहां पर साइन इनवर्स एक्स बट देखो स्टूडेंट्स यहां पर एंगल टू थीटा है आपके पास वैल्यू एंगल ठीटा की है ओके तो आपको यहां पर फॉर्मूला थीटा में कन्वर्ट करना है टू थीटा को पहले थीटा में कन्वर्ट करो फिर हम पुट करेंगे तो देखो यहां पर माइनस थीटा टू कॉस स्क्वायर ठीठा माइनस वन अदरवाइज साइन में कन्वर्ट करें आपके पास साइन की वैल्यू है तो वो कॉस टू थीटा की आपके पास फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय फोर प्लस वन बाई एट साइन टू थीटा दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी ओके अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं देखो थीटा थीटा मीन्स साइन इन एक्स ओके आगे माइनस साइन वन माइनस टू एक्स स्क्सा दैट इज तो आप जानते हो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है कितनी है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओके तो यहाँ पर एक्स मीन्स अपोजिट वन अपॉन अंडरवुड वन माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आपको कॉस्ट मिल जाएगा एडजशन अपॉन हाइपोटेनियस अदरवाइज वन माइनस साइंस पर करके भी फाइन कर सकते हो ओके okay, तो ये पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो गया है ये माइनस साइन अंदर मल्टी कर दो दट इज फाइनल आंसर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय फोर प्लस एक्स बाय फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी तो यहाँ पर आपको आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा ओके okay, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट उसमें एक पैटर्न वो ईजी है बट वो फॉर्मूला भी अप्लीकेशन आपको नहीं क्लियर ओके okay? uh, तो उसकी प्रैक्टिस सेवन पॉइंट सेवन में हो जाने के बाद हम वो फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वेश्चन इजी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं ओके नाउ स्टूडेंट्स नईट के बाद जो नाइन नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये आपको सेल्फ ट्राई करना है क्यों कि सेम कॉस इनवर्स को एज्यूम करो सेम यार एक्स इक्व टू कॉस थीटा डी एक्स इक्व माइनस साइन थीटा डी ओके तो सेम आएगा बट आगे माइनस साइन तो माइनर वेरिएशन आएगा जो प्लस माइनस में बाकी सब आंसर सेम आएगा ओके okay? तो so, ये आपको सर ट्राई करना है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर एट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ओके तो tan इनवर्स एक्स को आप अज्यूम करोगे ओके बट यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल जो सॉल्व किया sin x sin इनवर्स एक्स तो sin इनवर्स एक्स की फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है यानी न्यूमरेटर में जब हमने सेट किया तो न्यूमरेटर में रूट आ गया था ओके और यहां पर ये वेरिएशन नहीं आएगा क्यों क्योंकि टेन इनवर्स का डेरिवेशन क्या होगा वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो आप डिनोमीटर में एडजस्ट कर पाओगे ओके okay? तो देखो ये हम रेगुलर पैटर्न से सॉल्व करते हैं यू वी वाली मेथड से लेट यू इज इक्वस टू टेन इनवर्स एक्स एंड वी इज इक्वस टू एक्स नाउ नेक्स्ट आई इज इक्वस टू इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स देन अप्लाई द फॉर्मूला यू यू मीन्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स यू मीन्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स यर टेन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन वन अपॉन वन प्लस एक्सक्वायर और इंटीग्रेशन वी वी मींसर एक्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू dx, okay. Now here x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 as it is. Now numerator में x square है और नीचे 1 plus x square तो one add करो, subtract कर दो. 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x square dx, okay. और यहाँ पे हम हम क्या apply कर देंगे? Separately, okay. तो now x square by 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू सेपरेटली अप्लाई करो हि वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्सक्वायर डीएक्स ओके नौ एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू चलो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी ओके नव वन बाई टू अंदर मल्टी कर देते हैं नव एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी ओके स्टूडेंट्स तो हमको यहां पर देखो इजीली सेट हो गया क्योंकि डिनोमीटर में रूट नहीं आया ओके okay? यानी वो कैंसिल हो गया डायरेक्ट और वहां पर क्या हुआ न्यूमरेटर में रूट नहीं था और डिनोमीटर में रूट रूट कैंसिल किया तो न्यूमरेटर में रूट आ गया और उसकी कोई अभी फॉर्मूला आपके पास नहीं है